थी गड्ढा। आप लोग पहचानोगे नहीं कि ये कौन सुंदर सा बच्चा बैठा है आगे। दीदी क्या बोल रही है? अपनी मम्मा की गोदू में कौन सुंदर बच्चा बैठा है। आज हम लोग आए मंदिर घूमने के लिए एंड लक्कू घूम घूम के बहुत ज्यादा थक गया। उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग भी हुई है। मम्मा उसके लिए वॉश लाई है, ये केप लेकर आई है जो उसने पहनी हुई है, अभी मम्मा के पास घुस के सोया हुआ है। उसके अलावा ये सॉफ्ट टॉयज लेकर आए, एक तो ये लेकर आए हैं एंड ये रैबिट एंड सेकेंड ये फिश लेकर आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये फिश लेकर आए। सो उसे रैबिट ज़्यादा अच्छा लगा था तो वो रैबिट को लेकर आ गया अपनी मम्मा की गोदी में बैठाना, क्योंकि पीछे कितनी ही सारी भी सीट खाली हो लेकिन वो बिल्कुल भी पीछे नहीं आता। गुड्डा एक बार दीदी से बात तो कर लो। अच्छा डैडू के हाथ पे छूंगा, ये देखिए डैडू के हाथ पे सोए हुए हैं। मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या किसी को? और लिख डिस्टर्ब हो रहा है क्या कोई? चाहे मम्मा की गोद में बैठा रहे लेकिन डैडू से टच होना चाहिए उसका। तो ये रहा माला लक्कू, ये रहा माला लक्कू। इधर देखो, इधर देखो। नहीं वो तो अपने डैडू के साथ ही, डैडू के साथ जाएगा वो तो, डैडू के साथ रहता है। जब डैडू हो तो फिर कोई और नहीं, फिर डैडू और लक्की। वाह कितना हैंडसम लग रहा है ना मेरा बाबू। अरे सबको किसी कर दी, हाथ चाट लिया मेरा। अब डैडू को किसी, मैं डैडू से प्यार करता हूँ। अरे बाप रे, डैडू से प्यार थैंक यू कर रहा है। ये देखो डैडू को भी चाट रहा है। इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाए ना लक्की के लिए, इसलिए उसको प्यार आ रहा है ना। लक्की कितना भी ज्यादा ना थक जाए लेकिन ऐसे मम्मा एंड डैडू के बीच में जाकर बैठ जाता है। और उसको इतनी नींद आ रही है ना, अभी ये नहीं कि आके पीछे आराम से लेट जाऊं और सो जाऊं, लेकिन यहाँ बीच में घुसा रहूंगा, कभी मम्मा की गोदी में जाऊंगा कभी डैडू की गोदी में जाऊंगा, हर चीज का लालच दे दिया मैंने। हाँ क्या हुआ? हाँ ये टॉयज क्या करूं, मेरे भी है, मैं भी खेलूंगी, नहीं खेलूं। ये अच्छा तो फिर इससे खेल लूं मैं। लकी लकी इधर देखो, वो फिश दे दो दीदी को ना। लकी ये फिश से खेलूं मैं, फिश से खेलूं मैं। एक भी टॉय नहीं दीदी के लिए, ये भी तुम्हारा है। कभी लकी अपने टॉयज शेयर नहीं करता दीदी के साथ, दीदी के सारे टॉयज तोड़ देता है ओ ना। हाँ ये रख लो मम्मा रख लो। तो देखिए आप, एक जो रैबिट है उसे रख दिया मम्मा के पास और फिश को डैडू के पास रख दिया लकी ने, जिससे डैडू और मम्मा टॉयज को प्रोटेक्ट कर सके। लकी को आ रही है हमारे निन्नू, तो अब टॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चाहिए ना, है ना गुट्टा? डैडू के ऊपर जाकर ऐसे सो जाता है, पीछे इतनी जगह रहती है उसके बावजूद नहीं, बस डैडू के पास छूना है ना, डैडू की पोछ छूना है हमको।